शासन बुलाओ, शासन बुलाओ, मोदी सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, जीवे 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 किसान, जीवे 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 किसान, जीवे 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 किसान, जीवे किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद। असि सारे थे अपने किसान की मदद बैठे हैं, किसान के वास्ते बैठे हैं। फैसला किसान यूनियंस के लीडर ने करना। मैं समझना कि सरकार बेफजूला मीटिंगा बुला के एक टुटे भजे प्रस्ताव से अमेंडमेंटा जड़िया उन्होंने भेज रही हैं। जे किसान यूनियंस की जे किसान की मंग आ कि तुसी ये बिल रद्द करो, जे तो इन्हां नूं करो, जिन्ना ये लेट कर रहे हैं देश दे विच माहौल खराब हो रहा, देश दे लोग जिहड़े आ उह खज्जल हो रहे, ठंड दे नाल बीमारी दे कारण लोकां दीआं जानां जिहड़ीआं उह जा रहीआं वा, लोग अपने परिवारां तों दूर बैठे ने, तो सरकार दा सहापा कर रहे आ। मैं अज भी कहना कि तुसी इस अंदोलन की गहराई नू समझो, लोकां दे जज्बातां नू समझो। एहो जे जज्बात आज़ादी तो बाद मैं अज वेखे आ, जदों हर धर्म हर जात दे लोग एक एक मंच ते इकट्ठे ने। मैं अज भी कहना अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, इस चीज़ नू लेट ना करो, जिड्डी जल्दी हो सकता इन्हां दियां बिल रद्द करके किसानां दियां मंगां बंदो। उन्हीं सब जो पोस्टर देखने को मिले हैं शाहीन बाग की, जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे पोस्टर वहाँ पर देखने को मिले हैं, क्या लगता है कि माहौल खराब करने की बात जो सामने आ रही है? देखो कुछ ताकत जीयां हैगियां ने जिहड़ियां किसान अंदोलन की डायरेक्शन चेंज करनी चाहुंदियां ने, और उन्हां दा उत्थे कोई मतलब नहीं बनता पोस्टर जाके लाउणा, क्योंकि वह तो एक सिर्फ तो सिर्फ किसानां दा अंदोलन है, और किसानों का बड़ा सीधा जिहा एक जिन्ना भी संघर्ष है वह अपनी किसानी नूं लैके, ना कि कोई होर गलबात है। सो वो समर्थन देना उन्हां नूं, इहो जिहे पोस्टर नहीं लाने चाहिए, उहदे नाल फिर सरकारां नूं मौका मिल जाता कोई ना कोई गल करन दा। सो वो बहुत गलत गल है, उत्थे पोस्टर नहीं लगने चाहिए सी। लेकिन जिस तरीके से कल कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कैसे देखते हो? उन्होंने साफ कह दिया कि मैं जिहड़ी कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि बिल नहीं हटने, उन्होंने यही जी गल प्रेस कॉन्फ्रेंस राही नहीं दसनी चाहिए। जो कोई गल है जिन्ना चेर तुहाडी टेबल टॉक चल रही है, तुहाडी उन्हां नाल गलबात चल रही है, उस तो बाद विच कदी तुसीं कहिंदे चाइना ने उन्हां ने उन्हां नूं फंडिंग की है, कदी तुसीं कहिंदे इह वापस नहीं होने, जदों तुहाडा कोई फैसला ही नहीं होया। जिहड़ा फैसला जदों तुसीं बंद कमरे च मीटिंग करदे 8-8 10-10 घंटे, उहदा निचोड़ जिहड़ा जे तुहाडा नहीं फाइनल निकलिया, तां तुसीं इह कहो जी गल मुक्की नहीं। तुसीं इहदा मैसेज की देना चाहुंदे जी? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਸਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਆਪਸੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਬ ਤੱਕ ਆਪਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,
और जो रवैया जिहड़ा मोदी सरकार दा है ते मैं तो कहना चाहुंदा कि मैनू ऐ लगता जो कल परसों दा असी देख रहे हैं क्योंकि राती भी साढ़ा 2 बजे 2:30 बजे लाइव होण दा कारण की सी क्योंकि मैनू लग्या कि आ कल दी अमित शाह दे विच ते इहदे विच नरेंद्र मोदी दे विच जनरल डायर की रूह आ गई है और वो जनरल डायर की रूह ने किसानों नूं भी तंग करना शुरू किया तो सानू भी करना शुरू किया। राती चाणचक 2:30 बजे पुलिस आई और पुलिस ने आण के जिहड़ा 8:10 की एक तरपैल आ जिहड़ी पई आ कि जिहड़ी कि सिर्फ असी ये सीगा कि तरेल ना पवे जिहड़ी असी उपर लाई सी वो आण के उन्होंने लाउणी शुरू कर दित्ती तो सानू जिहड़ा कि लाइव हो के सारिआं नूं नाल लैके तो फिर उन्होंने इत्थों जिहड़ा कि उन्होंने भजाउणा पिआ पुलिस नूं क्योंकि इन्ना तशद्दुद जिहड़ा और मैं किसान भरावां नूं भी ये बेनती करनी चाहुंदा वां कि दिल छड्डण की लोड़ नहीं तकड़े होवो और जिहड़े किसान लीडर ने और मैं किसान लीडरां नूं भी ये बेनती करांगा कि ठीक अज लोकां नूं बड़ियां आसां ने उम्मीदां ने तुहाडे तों और जदों मैं कल सिंघू बार्डर ते गया तो मैनूं वेखण नूं मेरा मन भर आया जो मैं उत्थे वेख्या और मैं एक भैण वेखी कि जिंदे कोल मेरे हिसाब नाल 6 महीने का उहदा बच्चा और ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।